तो दोस्तों अभी मैं एक वॉशिंग मशीन जो है यहाँ पर चालू किया और चेक कर रहा हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम जो है क्या हो रहा है कि इसके बॉडी में जो है कभी कभी जो है कस्टमर को जो है करंट लग रहा है, ठीक है। तो उसी को हम जो है यहाँ पर चेक करने के लिए आए हैं। तो उनका जो हाथ, जो भी हाथ उनका गिल्ला रहता है तो उनको जो है करंट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी में जो है करंट यहाँ पर आ रहा है, टेस्टर में लाइट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके पीछे साइड में भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जहाँ पर पेंट नहीं है वहाँ पर जो है लाइट बहुत ज़्यादा जल रहा है। अब इसका जो प्लग पॉइंट है यहाँ ऊपर, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है दो ही वायर है, अर्थिंग का वायर है ही नहीं है। तो इतना बड़ा रिस्क लेकर के जो है लोग चलाते हैं थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में, भले ही जो है जान जोखिम में डाल दे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से, तो अभी आपने देखा कि किस तरह से जो है लोग जुगाड़ करके भी जो है अपना पैसा बचाने के लिए जो है कुछ इस तरह का काम जो है कर जाते हैं, जबकि इस तरह का काम आपको बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। क्योंकि ये जो चीज़ है वो इतना ज़्यादा रिस्क होता है इसके अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी हमारा फ्रिज, वॉशिंग मशीन या फिर माइक्रो ओवन या पानी का मोटर वगैरह जो भी आता है, तो उसमें जो है साफ साफ ये लिखा होता है कि इसको जो है आप बिना अर्थिंग वायर के जो है आपको इसको यूज़ नहीं करना है। और इसीलिए जो है बताया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है कभी बाई चांस कुछ फॉल्ट हो गया या किसी तरह का जो है प्रॉब्लम हो गया या फिर बॉडी शॉर्ट हो गया, तो जब आपका अर्थिंग उसके अंदर जो है प्रॉपर अटैच रहेगा तो होगा ये कि जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे पानी का मोटर है और आपका जो है अर्थिंग उसके अंदर अटैच है, और समझ लीजिए कि आपका अर्थिंग जो है प्रॉपर काम कर रहा है, और उस कंडीशन में क्या होगा कि समझ लीजिए आपका मोटर जो है वो बॉडी शॉर्ट हो गया या कोई भी प्रॉब्लम जो है उसके अंदर बता रहा है, तो वो क्या होगा कि आपका जो MCB है वो ट्रिप हो जाएगा या फिर जो है आपका मोटर नहीं चलेगा, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो पावर है वो मोटर के अंदर नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो आपस में जो है शॉर्ट हो जाएगा। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि बाई चांस आपके मोटर में करंट आ रहा है, ठीक है, और आपने अर्थिंग नहीं लगा के रखा है, ठीक है। इसी तरह जो है वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है। अगर आपका अर्थिंग उसके अंदर नहीं कनेक्ट है और उसके अंदर जो है करंट आ रहा है, जैसे कि अभी मैंने वॉशिंग मशीन में आपको दिखाया कि किस तरह से जो है करंट आ रहा था, अब उस कंडीशन में होगा क्या, ठीक है। अब उस कंडीशन में होगा ये कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो करंट आ रहा है, अब अर्थिंग अटैच नहीं है, और हो सकता है कि वो करंट कभी कभी जो है बहुत कम होता है और कभी कभी जो है फुल बॉडी शॉर्ट होता है। अब अगर फुल बॉडी शॉर्ट है और आपने उस कंडीशन में जो है उस चीज़ को टच कर लिया, वॉशिंग मशीन या फ्रिज कुछ भी है, तो उसमें जो है आपको एक जोर का झटका लग सकता है, और इतना ज़्यादा जो है झटका लग सकता है कि आपकी जो है जान जा सकती है, आप उसके अंदर चिपक सकते हैं, या छोटे बच्चे हैं अगर घर के अंदर अगर खेल रहे हैं, उनको नहीं पता है कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि क्या है, अगर बाई चांस उन्होंने आकर के जो है पकड़ लिया, तो बहुत ही जो है भयानक इसका जो है अंजाम हो सकता है। तो कृपया कर करके जो भी लोग अपना जो है पैसा बचाने के चक्कर में जो है इस तरह के दो वायर में जो है फ्रिज, वॉशिंग मशीन अगर कुछ भी चलाते हैं, तो इससे आप सावधान हो जाएं और इस तरह का काम बिल्कुल भी ना करें। भले आपका 200, 400, 500 रुपया एक्स्ट्रा चले जाएगा, लेकिन अगर जान रहेगी तो आपका समझ लीजिए कि जहान रहेगा, तो आपको इस तरह का हरगिज़ भी हरकत नहीं करनी है। तो आई होप कि आपको जो है ये समझ में आया होगा कि आपको बिना अर्थिंग के किसी भी चीज़ को जो है नहीं चलाना है, और अगर मजबूरी है वहाँ पर कुछ नहीं है तो आप इलेक्ट्रीशियन को बुला करके कुछ समझ सकते हैं, कुछ और भी उपाय हो सकता है, ठीक है। या ऐसा कुछ हल्का फुल्का करंट आ रहा है तो आप टेक्नीशियन को बुला के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यही जानकारी देनी थी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हाँ, आपको एक से एक नई वीडियो जो है आपको मिलती रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।